It's my first trip after lockdown and it has already motivated me so much. Like आज के एक दिन में मैंने एक हफ्ते जितना खुशी खुशी काम किया है कि I am too excited to go on it. Hi, welcome to A Pack With Me. I don't think मैंने ये पहले कभी ऐसा वीडियो बनाया है but I've really enjoyed watching other people's videos ये करते हुए so I wanted to make it too. A big disclaimer is that I do not want you to force your family to travel after watching this video. That's a major reason why in the first place मैं ये बनाने ही नहीं वाली थी because I don't want to influence you to go outside if you and your family are not comfortable to do so. My family wanted to go in the first place which is why like they initiated it and if they're comfortable I want to go too and I'll tell you what precautions we're taking, what I'm taking with me and a little bit of chit chat here and there. So let me take you to the bag. This is the bag I am taking and video mein bada lag sakta hai but it's very very tiny for the amount of stuff I want to carry because there's a video Ajio winter wear haul jo mujhe shoot karke jana tha but main nahi kar pai so I thought ke let me take all the clothes there wahi pehnungi aur jab bhi pehnungi aur idhar udhar thoda walk karenge tabhi main video nikalungi of the try on part so there are a few clothes in that and wo sare ye bag mein fit karne honge. Come inside the bag now. वेलकम. वैसे भी मेरा चेहरा देख देख के बोर हो गए सो दिस इज अ फ्रेश चेंज बैग. अभी क्लोथ सारे ये साइड डाले. मम्मी इज ऑल्सो राइट हियर. शी इज गोइंग टू बी द मेन पर्सन मेकिंग द डिसीजंस बट क्लोथ्स इधर डालते सारे. सो दे आर अ लिटिल चंकी स्वेटर्स. थोड़ा सा आपको स्नीक पीक मिल रहा है बट यू विल हैव टू वेट टू सी द होल थिंग व्हेन द हॉल कम्स. बस दिसंबर में ही आ जाएगा. बट कोई बात नहीं. टॉयलेटरीज और सब छोटा मोटा सामान तो आ जाएगा इधर. फर्स्ट थिंग आई एम टेकिंग माय हेयर मास्क क्योंकि उधर ज़्यादा ठंड होगी तो आई डोंट नो हाउ माय हेयर विल रिएक्ट. देन मेकअप रिमूवर क्योंकि थोड़ा बहुत मेकअप लेके जा रही हो अगर मन किया तो. फिर एसेंशियल्स माय फेवरेट फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर. दिस वन बिकॉज इट डजंट टेक द ऑयल अवे फ्रॉम माई फेस एंड दिस वन बिकॉज इट वर्क्स रियली वेल फॉर मी इवन इन कोल्ड वेदर. मम्मी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद दिलाया है कि नॉट टू पुट दीज थिंग्स डायरेक्टली. सो वी हैव दीज ज़िपलॉक बैग्स जो हम रीयूज करते रहते हैं. सो आई ट्राई टू फिल इट एज मच एज पॉसिबल. नेक्स्ट थिंग गोइंग इन द बैग इज द हेयर सीरम क्योंकि अगेन पता नहीं हेयर को कितना जरूरत पड़ेगा. फॉर मेकअप आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग ओनली फोर आइटम्स. फर्स्ट वन इज दिस कंसीलर. सेकेंड दिस हाईलाइटर. ये वाला लिपस्टिक जो मेरे को ब्लश के तौर पर भी चल जाता है. एंड दिस काजल. I think I want to add a makeup palette also and I have a very interesting item also. Wait, I'll go and get it. I felt like carrying one eyeshadow palette. So this is the one I'm choosing क्योंकि मैंने सबसे कम use किया है तो इस पर experiment कर सकती हूँ. Not taking any brush, बस finger से कर लूँगी. And I want to take this mini straightener which we had tried in some Club Factory video. Never have I ever carried ऐसा straightener वगैरह कुछ travel के time पे तो बहुत time रहेगा. हेयरस्टाइल experiment करते करेंगे time pass. So this mini straightener is also coming. And I know you must be really bored with my skincare choices but as I said in the winter grooming tips video 2021 is the year where we'll try new skincare. So bear with me please. बस 2020 खत्म होने आया. परफ्यूम के लिए आई एम टेकिंग दिस वन बाय बाथ एंड बॉडी वर्क्स क्योंकि अरे हैव दिस सिंस अगेन 2-3 इयर्स एंड खत्म नहीं होता. आई रियली वांट टू फिनिश इट तो मैं रोज जबरदस्ती छिड़कूंगी उसको टू ट्राई एंड फिनिश इट. एंड दिस इज द कॉम आई एम टेकिंग टैंगल टीजर. फिर मस्कीटो रिपेलेंट थिंग क्योंकि मुझे मच्छर रात को काटते तो नींद नहीं आती. 3 मास्क. बेकिंग सोडा टू वॉश द हेयर. एंड ये डिब्बी वंस दिस इज ओपन वी पुट द बेकिंग सोडा इन दिस. एंड पैड्स बिकॉज मेरा पीरियड आने वाला है. बिलीव इट और नॉट एग्जैक्टली ऑन माई ट्रिप डेज 3 डेज आई एम गोइंग इज माई पीरियड डे. तो जो होगा देखा जाएगा. अभी दीज 3 थिंग्स ऑल्सो आई एम टेकिंग बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट माई वर्क बुक. आई ऑल्सो स्टिक माई पोलरॉइड इन दिस एंड राइट लाइक हैप्पी थिंग्स. सो दिस 100% हैज टू कम विथ मी. दीज 2 बुक्स इनिशियली आई वॉज गोइंग टू टेक बट आई राइट मोर वर्क ही स्टफ इन इट. तो दीज आर स्किप. आई जस्ट टेक माई प्लानर विथ मी एंड आई नो 2021 इज नॉट स्टार्टेड बट आई ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग इट. I am taking my laptop with me because even though I've decided कि मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगी I am going to keep it for emergency कि अगर ज़रूरत पड़ा तो. And that's why इसको भी मुझे प्लास्टिक में डाल देना चाहिए because laptop के साथ liquids is a risky thing. Earphones music सुनने के लिए अगर relax करना हो तो बहुत ज़्यादा सामान आ गया इसमें डालने को. तो I just take my laptop अलग से because I don't want to risk it. Undergarments I'm just taking one nude brand one strapless bra to wear outside with these clothes. Otherwise so I'm just going to live in bralettes. I'm taking 4 bralettes because I find them extremely comfortable.
So I'll put two here. Make them a gola and put them in the corner. Taken 5 chaddis, which I think is enough for 3 days. 1 napkin, 3 pairs of socks because I love socks. 2 pairs of leggings क्योंकि मम्मी ने एक extra denim ली है तो I'll just wear hers if I need it. And एक track pant मैं पहन के चलूँगी. 1 pair of shorts. I don't have a toothbrush cap यार. मम्मी saying she has, I'll just take it from her. I'm keeping a spray in my bag. Sanitizer तो मैं backpack में रखूँगी जिसमें laptop होगा. चश्मे का गड़ा with the चश्मा. But this will also stay in my handbag. And I think that's it. I think that's all I need for this mini vacation. Some of my other things mom has taken, like we're going to all wear classic t-shirts, matching and click photos. Mummy ne hum charo ki le li hai, denim mummy ke paas hai, makeup ke wo cotton pads mummy ke paas hai. So these things I'm not taking. Band bhi hoga ki nahi? Wo ho gaya yaar, it's relatively easy. This will be my regular carry-on bag. So isme so far I have put my wallet. एम्प्टी डब्बा पहले का है. सैनिटाइजर, अनदर स्प्रे जस्ट लाइक अगर ऑन द वे किधर बाथरूम जाना होगा तो काम आएगा. एंड सम ओल्ड रैंडम बिल्स, पहले से वॉच पड़ी है दैट वी डोंट नीड. सो इसमें आई एम पुटिंग माय लैपटॉप, मेरा चश्मा बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट वेयरिंग इट. अभी तो मैं लेंस पहनी हूँ बट आई एम नॉट कैरिंग माई लेंसेज. एंड आई थिंक आई वॉन्ट टू कैरी 1 notebook विच इज द इन्फिनाइट वन बिकॉज इन दिस आई राइट माई जनरल स्टफ. टू मेक इट हैपन इज मोर लाइक माई वर्की बुक. ऑल्सो यू कैन गेट द होल सेट फॉर 999 राइट नाउ इट्स ऑन ऑफर, विच इज द 1 planner विच इज ऑल्सो अ डेस्क कैलेंडर एंड अ ईयरली प्लानर एंड दीज 2 notebooks जस्ट फॉर 999. देर प्रिटी थिक. सो इफ यू हैवन परचेज द प्लानर फॉर योरसेल्फ येट, यू कैन ट्राई एंड चेक आउट दिस सेट. इन केस इट फुलफिल्स योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन बाय इट. एंड I will be putting my पानी का बॉटल in it because we don't share पानी का bottles at all right now. And that's it for my bag. Oh, one most important thing, I forgot charger, but it's fine because laptop का charger is there in the bag. And mom ने तो एक iPhone charger लिया ही होगा, so that's the benefit of using kind of the same phone in the family. के एक जन charger भूल जाए फिर दूसरे का use कर सकता है, but फिर झगड़े बड़े होते हैं. So I'll just safety के लिए put mine in it. But this was the pack with me. For food, we are taking Theplas. No surprise, because I am a Gujju. So Theplas एंड आलू का सब्जी इज वॉट वेयर टेकिंग बिकॉज हमको रस्ते में ज्यादा खाने का मन नहीं है. चाय भी थर्मोस में लेके जाएंगे. फ्लाइंग बी स्टाइल वी ट्राई टू हैव इट ऑन द वे विद डिस्पोजेबल कप्स एंड थर्मोस वाली चाय. बट आई एम गोइंग टू महाबलेश्वर, वो तो मैंने बताया ही नहीं, फॉर 3 nights and 4 days. लाइक आई लाइक विंटर्स, सो आई एम एक्साइटेड टू सी वॉट काइंड ऑफ वेदर विल बी देयर. बस रिलैक्स होना. आई डोंट थिंक आई ब्लॉग दिस ट्रिप. जो भी स्निपेट्स रहेंगे आपको ट्राई ऑन पार्ट ऑफ द आजियो विंटर हॉल में आई वॉन्ट to show you that way. This is it. Like the whole video, after we made the video where I could share what was on my mind, I am able to make videos with a better mindset. Because previously kya hota tha, like I had one of the things that hit me the most was someone DM me saying ke your daddu does not even look happy when he comes on his social media. Like I posted a story where we were listening to Jagjit Singh ke ghazals in the car and his way of celebrating is wo aise snap karta hai, tap karta hai, and I full fledged smile. To mere samne his face might be looking more dull, but I knew he was happy, so I just posted that we were having a good moment. And someone DM'd me after it ke he doesn't even look happy, you're forcing him to be there with you just so that you can post this on social media. And mujhe itna affect kar gaya tha wo, although it was not true. But the next time I would think of posting something with daddu, mere dimag mein ka expression aata ki oh, but does he really look happy. So now I'm changing that to remembering all your messages and comments that you left under that video and you DM'd me. I'm writing them down again with your name ke this person had said this, to manifest this and to remember this over all of that, because the amount of faith you placed in me in that time is what I want to remember, and that's why I'm able to make more videos. In one day I have made, they'll say, 6 to 7 videos today, which I haven't been able to do the whole year, and that's all because of the energy that you gave. And also I'm going to come back with more with the refreshment of the trip. So I'll see you very soon. I think you will get to see the older videos every single day while I'm on trip. So uske baad aur videos banayenge aur maze karenge. And a big shout out to Dhriti. She made our new channel art. She's very very talented. All her social media links will be in the description box down below. But I am in love.
I'm in love. It's such a good color palette. I feel like the whole pole is so much more independent. So yeah, thank you so much, Jyoti, for doing such a fab job with the channel art. And if you want any requirements for graphic designing, you can hit her up. She's very, very talented. So bas with this, if you enjoyed watching this video, give it a thumbs up. If you did not enjoy watching this video, give it a thumbs down. But agar koi bhi tip aapko helpful lagi is video mein, to subscribe zarur karna. And I will see you in a brand new video very, very soon. Until then, goodbye.